वेलकम टू द कमल एजुकेशन, आप लोगों का स्वागत है। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लाउज की टुकड़ी या ब्लाउज की डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसकी साइज क्या रखेंगे, उसकी विड्थ और हाइट कितना होगा और उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास ब्लाउज की टुकड़ी है, इसमें डिज़ाइन जो है डिजिटल डिज़ाइन है जो प्रिंटेड है और ब्लैक कलर में है, और ये जो अंदर का जो पैटर्न बनाया गया है उसे गोल्डन कलर में निखारा गया है। और इसके अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि इसमें एक पैटर्न होता है जिसके द्वारा ये पूरी डिज़ाइन बनती है। तो अगर आप देखें तो इसमें ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन से लेकर नीचे का सेक्शन या ये सेक्शन ये सेक्शन, यानी कि ये जो चार सेक्शन से ये डिज़ाइन तैयार हो रही है उससे ही ये पूरी डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। मतलब ये एक इसका पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको देखना होगा। अगर हम इसमें अंदाजा लगाते कि इस पैटर्न से और इस पैटर्न के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो अगर मैं आपको कहूँ तो ये डेढ़ इंच कह सकते हैं, डेढ़ इंच का इसके एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो डेढ़ बाई डेढ़ इंच के अंदर क्रिएट करेंगे और इसे आसानी से आपको मैं आपको इस वीडियो में बना के बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसकी एक फ़ोटो लेके हमारे डाउनलोड सेक्शंस में रखी हुई है पहले से की, जिससे आपको पता चले कि मैं इसको किस तरीके से क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट लीजिए, एक फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। हो जाने के बाद सबसे पहला काम है कि आप एक ब्लाउज का जो साइज होता है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर के हिसाब से चलता हूँ तो आपको उसका विड्थ 80 सेंटीमीटर लेना है और हाइट उसकी जो आपको लेनी है 115 सेंटीमीटर लेना है, और रिजोल्यूशन जो नॉर्मली हमेशा 150 होता है वही आपको 150 पिक्सल्स में से क्रिएट करना है। तो चलिए, ये हमने ब्लाउज की टुकड़ी का एक साइज ले लिया। उसके बाद फिर से न्यू गए तो हम इसका जो डिज़ाइन पैटर्न बनाने वाले थे वो डेढ़ बाई डेढ़ इंच में बनाने वाले थे, तो मैंने यहाँ से इसको इंचिस में कर लिया, या आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1.5 बाय 1.5, देन आफ्टर ओके करेंगे तो ये साइज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो हमने फोटो करके या स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर में लाए हैं उस फोटो डिज़ाइन को भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सिंपल ओपन करने के बाद इस डिज़ाइन का लॉक ओपन किया मैंने, लेयर लॉक, और इसको उठा के हमारे उसी पेज पे इंसर्ट करना जो डेढ़ बाई डेढ़ इंच पे हमने इसको बनाया। कंट्रोल टी किया, ओपन किया और इसकी साइज को मैंने छोटा किया। और अब इसे एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके जो साइज हमें मैंने बताई है उसमें इसको मैनेज कर दिया। तो ये साइज रख लिया, ये हमने साइज को मैनेज कर लिया। अब इसके ऊपर इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको डिज़ाइन को रखने के बाद उसके ऊपर क्या करना, ओवरराइट करना है। तो ओवरराइट करने के लिए क्या करना है, नया लेयर लेना है, साइज हमने मैनेज कर ही ली है, और उसके बाद सीधा आप इसके ऊपर पेन टूल से इसको ओवरराइट कीजिए, क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे क्रिएट कर लेंगे तो आपका आसानी से डिज़ाइन बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों करें, क्योंकि ज़्यादातर जो डिज़ाइनें आपको मार्केट से मिलेंगी बनाने के लिए तो कुछ ओवरराइट डिज़ाइनें भी आपको बनानी पड़ेंगी। अब बात आ रही कि इसमें हमें गोल्डन कलर करना है, तो अगर आपको गोल्डन कलर एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल कर दिया गोल्डन कलर हेक्साकोड, तो आपको गोल्डन कलर का हेक्साकोड मिल जाएगा। इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन आपका इसमें हम उसे फिल कर देंगे। देन नेक्स्ट बीच वाला सेंटर भी मैं बना लेता हूँ फटाक दिन। साइड का भी
ये पैटर्न बन जाने के बाद इसका एक डुप्लीकेट करना है और इसका पिक्सल देख लीजिए 225 बाई 225 है, तो उसका आधा करेंगे तो उसके आधार पर इसका ऑफसेट तैयार आपको करना है। तो यहाँ पर आए ऑफसेट पे, तो 225 के अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 112.5 बनता है और इसको भी 113 ही कर लीजिए तो ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके देखिए कहीं से कुछ बाकी तो नहीं है। ओके, ये सेट हो जाने के बाद अब इसका क्या कर लीजिए, विदाउट बैकग्राउंड का पैटर्न तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से डिफाइंड पैटर्न ओके कर दीजिए। पैटर्न हो जाने के बाद आप यहाँ पर आइए नई ले लीजिए, तो हम इसमें करने वाले हैं ब्लैक कलर। तो नीचे का जो साड़ी का कलर है वो है ब्लैक, हमने ब्लैक कर दिया, नया लेयर लिया और जो हमने पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को आपको इसके ऊपर कर देना है फिल। तो हमने यहाँ से पैटर्न लिया, यहाँ से गए पैटर्न चूज करना है और ओके कर देना है। तो ये आपका ब्लाउज की टुकड़ी का डिजाइन तैयार हो गया है। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम ब्लाउज के डिज़ाइन को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।